मुस्लिम लड़की को हुआ हिंदू लड़के से प्यार, धर्म बदलकर कर ली हिंदू लड़के से शादी। पीरपैंती के काली मंदिर में दोनों प्रेमी युगल ने की है शादी। अब अपनों से जान का खतरा बताते हुए युवती कर रही है सुरक्षा की मांग। झारखंड के एक प्रेमी जोड़े के प्यार के आगे धर्म की सारी दीवार टूट गई और एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। उस लड़के से वो एक साल से प्यार कर रही थी। अभी यह प्यार का बंधन शादी के बंधन में तब्दील हो गया है। वहीं यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उसने हिंदू लड़के से शादी कर ली। खबर गोड्डा जिला के मेहरामा क्षेत्र से है, जहां राम कुमार नाम के लड़के को मुस्कान खातून नाम की लड़की को लेकर 17 अक्टूबर को घर से फरार हो गया। फिर लड़की से अपनी शादी कोर्ट में करने के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचा और वकील से मिला। वहीं इसकी खबर लड़की के परिवार को मिल गई और फिर लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट परिसर के अंदर लड़की से मारपीट करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और लड़की को पुलिस की सुरक्षा दी गई। लड़की ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं और मैं इस शादी से खुश हूं। साथ ही लड़की ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। कोई दबाव लड़का का कि शादी करो जबरदस्ती, ऐसा नहीं, अपनी मर्जी अपने खुशी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, घर के ऊपर से मतलब घर वाला लोग आपके राजी हैं? आप दोनों के? मेरे घर वाले राजी नहीं। तो कोई मारने पिटने का धमकी ऐसा कोई? हाँ। क्या है, कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मम्मी पापा मामा। मामा? मामा कौन है आपके? पुलिस विभाग से है। हाँ। क्या करते हैं वो? पुलिस में ही विभाग में है, तो हमको भी मालूम नहीं उतना। अच्छा, आप लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान किया गया या फिर आपके सपोर्ट में कोई है? जी अभी तक नहीं। अच्छा, कोई नहीं है। लेकिन आप लोग शादी करने के बाद कहाँ जाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है? जी नहीं। अच्छा, आप लोगों को डर है कि शादी करने के बाद कोई मारा जाएगा पीटा जाएगा? जी बिल्कुल। किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से। मतलब मारने पीटने का धमकी मिला है? अच्छा, अभी आपको ढूंढ रहे होंगे वो लोग? जी। वहीं कोर्ट में बयान देने के बाद युवती को पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान किया गया और युवती को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया, जिसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ पीरपैंती के मीनाक्षी मंदिर में सनातन धर्म को अपनाते हुए हिंदू लड़के से शादी कर ली। लड़की ने बताया कि हमारे मामा और मौसा मुझे धमका रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं लड़का का कहना है कि हम लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़का ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि हमारे परिवार वाले भी इस शादी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ मेरे परिवार वालों को लगातार धमकाया जा रहा है। इस शादी के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? तेज बोलिएगा। मुस्कान। मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर सियालदह। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं? हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? इसका संस्कृति अच्छा लगा, इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाया। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं? मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे ना, इसके अलावा किसी का दबाव है क्या? मतलब घर वाले से किसी से डर, कोई खतरा? किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से। मेरे मौसा। मतलब कौन कौन, क्या नाम बता सकते हो? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है? जी। अच्छा, कोई धमका रहे हैं आप लोगों को? जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग एक हिंदू रीति रिवाज से शादी किए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे?